मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक टू सीटर प्लेन के आगे आ गया एक पायलट। हादसे में पायलट की जान चली गई, लेकिन क्या रही हादसे की वजह, ये भी है खबर। हवाई पट्टी पर मंडराई मौत। प्लेन लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा। प्लेन के जद में आया एक पायलट। मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पर एक छोटे प्लेन का मलबा बिखरा है। हादसे की बाद की ये तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। यहाँ एक प्लेन ने ले ली है एक शख्स की जान। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन सबके मन में यही सवाल है, आखिर कैसे हुआ ये हादसा? क्यों एक पायलट आया प्लेन के सामने? दरअसल हादसे की वजह बना ये टू सीटर प्लेन दिल्ली के योगेश गर्ग का है। योगेश गर्ग जो हवाई पट्टी पर मौत की नींद सो गए। योगेश नहीं जानते थे कि उनका अपना ही विमान उनके लिए मौत का सामान बन जाएगा। वो यहाँ पिछले 10 दिनों से विमान उड़ाना सीख रहे थे, लेकिन हादसे के वक्त वो विमान में नहीं थे, बल्कि वो नीचे से जहाज की फोटोग्राफी कर रहे थे। जहाज पायलट अनिल गुप्ता चला रहे थे। जहाज में योगेश की सहयोगी पूर्वी भी थी और प्लेन लैंडिंग के वक्त क्लोज शॉट लेने के चक्कर में वो प्लेन की छत में आ गए। कारण भाई गलती है इनकी कि रनवे के ऊपर आ गए फोटोग्राफ लेने के लिए लैंडिंग के टाइम जहाज में, क्योंकि स्लो जहाज है, ऐसा नहीं है तो साइड में खड़े होने के बजाय सामने आ गए और फोटोग्राफ लेते हुए कैमरे के थ्रू देख रहे थे, तो कंफ्यूजन हुआ है जहाज के बीच में। जहाज ने इधर को किया, ये भी इधर को मूव कर रही। कई दफा होता है जैसे मोटरसाइकिल आपकी तरफ आ रही है, आप उधर को गए, वो इधर को जाए, वैसे हो गया। योगेश अंदाजा नहीं लगा पाए कि प्लेन कितनी दूरी पर है और इसी गफलत में उसकी जान चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जहाज में सवार पायलट और उनकी सहयोगी पूरी तरह घायल हुए। हवाई पट्टी पर बेखौफ फोटोग्राफी करने की भूल ने योगेश की जान ले ली। इस समय मेरठ से अभय शर्मा।